बड़ी संख्या में देश के अन्य अन्य प्रांतों से कटिहार पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रेलवे स्टेशन पर ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी कटिहार जंक्शन पर तैनात किया गया था। इसी कड़ी में कटिहार सदर अस्पताल में तैनात शैलेंद्र पांडे का भी स्टेशन में तैनाती हुआ था, जहाँ से एक कर्मी कोरोना कोविड 19 के शिकार हो गए, मगर वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ड्यूटी पर वापस लौटने पर कटिहार सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में उनका जमकर स्वागत किया, फूल माला पहनाकर, फूल बरसाकर और ताली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़कर जीत हासिल करने वाले अपने स्वास्थ्य कर्मी मित्र का जमकर स्वागत करते हुए डीएस ने कहा कि किसी को अगर कोरोना हो भी जाए डरने की कोई बात नहीं, उसका इलाज संभव है। उसी दरमियान चूंकि काफी काम किए तो किसी प्रकार ये कोरोना से पॉजिटिव हो गए, इसलिए कोई हानि की बात नहीं है। इनको होटल में रखा गया, इनकी देखरेख की गई और ये कोरोना से निगेटिव हो गए हैं। हाँ, इसमें समाज में जरूर बहुत गड़बड़ बात आई कि लोग मतलब इनके यहाँ लोग आना जाना छोड़ दिए, किए वो किए। खैर, जो सामाजिक चीज़ है, जो डरना है लोग को डरे ही। हम चाहते हैं कि देखिए, कोरोना जब है कोई नुकसान नहीं किया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गए तो हम इनको स्वीकार कर रहे हैं अच्छे ढंग से, वेलकम करके, कि मतलब ये समाज में कहें कि नहीं भाई, कोरोना पर पॉजिटिव हो जाना अलग बात है, और निगेटिव भी हो गए तो समाज हमको स्वीकार रहा है। लगभग 8-9 दिन, 14 दिन लगे इनको। अच्छा सर, क्या मैसेज दीजिएगा जो लोग पैनिक हो जाते हैं? नहीं, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। इसमें तीन चीज़ ही मुख्य बातें याद रखनी है। एक तो नाक मुंह को ढक के रखिए, बिना हाथ को धोए चेहरा का कोई अंग महीन छूइए, अगर छूना तो हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए या साबुन पानी से धो लीजिए। शरीर में कहाँ कोरोना है इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। नाक मुंह आँख को नहीं छूना है, जिससे कि इसकी एंट्री होती है। और दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, ताकि कोई खांसे अचानक या छींके तो आप पे वो ड्रॉपलेट्स नहीं आ सके। ये दूरी की बस इतना ही है, और कुछ पैनिक नहीं होना है। हाँ, क्या परिचय सर? हाँ, मैं डॉक्टर आर्यन पंडित, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदरपुर कटिहार।